आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रखा गया है। हाल ही में एनसीबी ने आर्यन खान की काउंसलिंग की है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि आर्यन खान ने एनसीबी के अधिकारियों से वादा किया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो गरीब और कमजोर लोगों की मदद करेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की काउंसलिंग की। इसी काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने उनसे वादा किया कि जेल से बाहर जाने के बाद वो गरीब और कमजोर लोगों की सहायता करेंगे। इसके अलावा आर्यन ने समीर वानखेड़े से ये भी कहा कि वो एक दिन जरूर कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे जिससे उनको उन पर गर्व हो। बता दें, मुंबई सेशन कोर्ट ने गुरुवार को क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में सुनवाई रद्द कर दी थी और बढ़ाकर डेट 20 अक्टूबर को कर दी है। साथ ही में एनसीबी ने आर्यन खान को उनके माता पिता गौरी खान और शाहरुख खान को उनसे वीडियो कॉल पर बात कराई, जिससे आर्यन को थोड़ी सी राहत मिली। आगे की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।